क्या आप 5G के लिए रेडी हैं? क्या आपके स्मार्टफोन में फुल टू सिग्नल आ रहे हैं? क्या आपके स्मार्टफोन में 1 Gbps की स्पीड है? क्या आप ढेर सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए रेडी हैं? अगर नहीं तो बहुत तेजी से हो जाइए, मुकेश अंबानी जी आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया 5G लेके। जो लोगों ने बताया, रिलायंस की एक एनुअल मीट हुई थी 4 महीने पहले, जिसमें काफी सारी चीजें बताई गई थी रिलायंस के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है, गूगल फेसबुक सबने करा था। बट अभी IMC चल रही है, IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस होती है और ये इंडिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट होता है, जिसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्लान्स और जो गवर्नमेंट भी है वो भी बताती है कि एक्चुअली क्या करने वाली है इस साल में। तो 2021 के काफी राज खोल दिए गए, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो मोदी जी आए थे काफी टेक्नोलॉजी वाली बातें करने। टेलीकॉम सेक्टर, दिस ग्रुप हैज ऑल द की प्लेयर्स दैट हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द रीसेंट पास्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लीड इंडिया टवर्ड्स अ मोर प्रॉस्परस फ्यूचर। तो एक चीज जिसमें इंडिया लीड कर रहा है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, वो है जो मोबाइल डेटा की कॉस्ट है, जो इंटरनेट लगाने की कॉस्ट है, जो ओवरऑल डेटा की कॉस्ट है इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू किसी भी कंट्री से आप कंपेयर लो। और ऑप्टिक फाइबर वाला भी जो रोल आउट है इंडिया में वो बहुत ही तेजी से हो रहा है, और 2021 में हर गाँव में ऑप्टिक फाइबर लगाने का एम चल रहा है। काफी सारे ऐसे गाँव है इंडिया में जहाँ पे गैस के कनेक्शन नहीं है, उसके बाद टॉयलेट भी कुछ कुछ में नहीं है। एक फाइबर ऑप्टिक का एम लेना एक काफी एम्बिशियस एम है, बट इंटरनेट डेफिनेटली बहुत ही तगड़ी चीज है। इंडिया इस टाइम पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल मार्केट है वो भी है, और जो मोबाइल यूजर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, 100 मिलियन महीने में बढ़ जाते, पता भी नहीं चलता है। इंडिया के ऑलमोस्ट 800 मिलियन के अराउंड यूजर्स होने वाले हैं, और 300 मिलियन यूजर जो है वो 2G कनेक्शन अभी भी यूज कर रहे हैं। और 2G वाला फोन, जो लोगों को नहीं पता, इस प्रकार के फोन होते हैं 2G वाले, और हमसे एक दिन भी नहीं चलाया जाता। अभी बना रहे थे ऊपर वीडियो। इन सबको पहले मेरे हिसाब से 4G पे लाना पड़ेगा। इसी से बात स्टार्ट हुई, मुकेश अंबानी जी बता रहे थे इनको पहले 4G पे लाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा क्विक हो जाएगा ये ट्रांजिशन। As many as 300 million mobile subscribers in India are still trapped in the 2G era. पर इस चीज को फिक्स करने के लाइंस अपना एक बजट फोन रिलीज कर रहा है। अर्जेंट पॉलिसी स्टेप्स आर नीडेड टू एंश्योर दैट दीज अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैव एन अफोर्डेबल स्मार्टफोन। वो फरवरी मार्च तक रिलीज हो जाना चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के। जियो के काफी गठबंधन हो रहे हैं, जिन लोगों को याद हो जियो में काफी सारी कंपनीज, गूगल, फेसबुक, इन सब ने इन्वेस्ट करा था, और सबका इन्वेस्टमेंट का यही एम था कि भाई हुआवे के अलावा ऐसी बहुत कम ही कंपनीज हैं जो एक्चुअल अच्छा 5G प्रोवाइड कर पा रही है। और जियो वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरर भी है, उसके साथ साथ एक टेलीकॉम प्रोवाइडर भी, और बहुत ही बड़ी ये कंपनी है। और क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है जो 5G में भी काफी ज्यादा काम कर रही है, और जिन्होंने इन्वेस्ट भी करा जियो में 700 करोड़ के अराउंड, और इन्होंने इस अक्टूबर में टेस्टिंग करी है 5G की, और इसमें जो स्पीड्स निकल के आई हैं ये स्पीड्स 1 Gbps के अराउंड की हैं। और ये वाला RAN के थ्रू हो रहा था, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, की बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो 5G में यूज होती है। तो दोस्तों 5G आजकल बहुत चलने लगा है, बट स्पेशल क्या है ये पूछा जाएगा। तो ये वाला 5G जो रिलायंस जियो बना रहा है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इंडियन मेड हैं। और आप लोग पूछोगे आएगा कब ये सारी चीजें, तो बढ़िया बढ़िया हो रही हैं। जियो इंडिया में 5G ला रहा है 2021 में, और जून जुलाई से लगना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में 5G, जो एक बहुत ही बड़ा क्लेम है। स्टडी मटेरियल फुट रिपीट जगह 1 Gbps डाउनलोड स्पीड, गेमें भी हो रही होंगी तेजी से। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एक्साइटेड इसलिए हूं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 5G में इन्वॉल्वमेंट है जिनका, बट जियो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, और वो सेमीकंडक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। सेमीकंडक्टर, जो लोगों ने बताया, चिप जो होती है उसी को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और यही एक ऐसी चीज है जो इंडिया में अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, बट क्योंकि क्वालकॉम जो सबसे बड़ा इस टाइम पे स्मार्टफोन चिप मेकर है, उसने इन्वेस्ट कर रखा है, और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये चिप लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आ जाए, और उसके बाद
काफी ज्यादा सस्ते फोन दोस्तों। 5G लपेट जाएगा तेजी से और 1GBPS की स्पीड अब भी सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, बट 4-5 साल पहले 300-400 MBPS सुनने में भी बहुत ज्यादा लगती थी। बट मेरा अभी पर्सनल जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी उतनी स्पीड आती है और मोबाइल्स में भी 40-50 MBPS बड़े आराम से आती है, जो भाई आज से 5-6 साल पहले बहुत ही बड़ी चीज होती है। और 5G का स्पेक्ट्रम का ऑप्शन है वो 2020 में ही हो जाना था, बट कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, बट वो काफी ज्यादा तेजी से होपफुली हो जाए, बहुत ही ज्यादा मजा है हमको भी आपको। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करो 5G आके क्या मसाला हो जाएगा। और इतना ऐसा वाली वीडियो के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ कर देना, बाय।